The real face of Sangh, या the other face of Sangh, जो कि public domain में नहीं है, उसको दुनिया के सामने लाया जाए, और वो है संघ का कार्य, सेवा कार्य। संघ विश्व में सबसे बड़ा NGO है, जितना व्यापक तौर पे संघ का सेवा का कार्य उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन इस कार्य की का संज्ञान ना लेके संघ को वैचारिक तौर पे बदनाम करा जाए, उसको कहा जाए कि ये एक संकीर्ण सोच का संगठन है, एक नॉन सेकुलर एक कम्युनल संगठन है, इससे बड़ा कष्ट होता था। और इसीलिए किताब लिखी गई है ताकि संघ सही सत्य के साथ सही परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके। संख्या देशभक्ति के लिए भी जाना जाता है, और दत्तात्रेय हरगुरु जी ने भी ये कहा कि देश के दुश्मन चाहे भीतर हो या बाहर, संघ जो है उसे छोड़ता नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये राष्ट्रवादी संगठन है और सर्वोपरि है देश। इस भावना से, इस उद्देश्य से संघ ने कार्य करा है। हर स्वयंसेवक के मन में देश के प्रति समर्पण है। जैसा मैंने कहा, व्यक्ति, समाज और देश तीनों एक ही संज्ञा के हैं, तीनों एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। और संघ जो है, जब व्यक्ति निर्माण करता है तो समाज और राष्ट्र निर्माण करता है। हम लोग राष्ट्रवादी हैं, हर देश के खिलाफ जो व्यक्ति है उसके प्रति हम लोग सतर्क रहते हैं, और देश को मजबूत करने के लिए संघ हमेशा कार्य करता रहता है। जो चैप्टर्स आपने दिए हैं वो किस आधार पर और मेन फीचर क्या है? ये किताब का उद्देश्य उन लोगों को संघ से परिचित करवाना है जिनको संघ के बारे में ज्ञान नहीं है। संघ को वो सिर्फ अखबारों के माध्यम से या जो उसकी आलोचना है उसके माध्यम से जानते हैं। संघ का सत्य और संघ का कार्य, इससे उनका अवलोकन करवाना, उनको इससे परिचित करवाना, इसका ही उद्देश्य। इसमें संघ, उसका संगठन, ये रूढ़िवादी नहीं है, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, यंग ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा के प्रति समर्पित है, इसका इसका सत्य क्या है, इसका न्याय पक्ष। राम जन्मभूमि पे मैंने एक लिखा है कि न्याय राम जन्मभूमि का सत्य भी क्या है और न्याय पक्ष क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी दी। अंग्रेजी में पहले आई? अंग्रेजी में पहली है, ये कई भाषाओं में इसका अब रूपांतरण होगा, और मुझे लगता है व्यापक तौर पे संघ के बारे में इससे जानकारी मिलेगी।